संदीप, एक आपसे HDFC बैंक पे भी समझना चाहेंगे, जो क्योंकि जो कंसर्न्स निकल कर आए HDFC बैंक में एनालिस्ट मीट के बाद, और वो आज के कंसर्न्स नहीं है, मर्जर दोनों बैंक और लिमिटेड के बीच में, मर्जर में जो कॉस्ट कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट होगी, निम्स होंगे, ये सारी बातें बाजार में ऑलरेडी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जाते थे, लेकिन ये एक स्टीप रिएक्शन पिछले 3 दिन में इतना क्यों दिख रहा है, और आप HDFC बैंक के इस लेवल पर वैल्यूएशंस को कैसे देख रहे हैं? कि अभी भी HDFC बैंक एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो मुझे तो उम्मीद थी कि होएगा, लेकिन काफी एनालिस्ट कुछ ज्यादा बुलिश थे और पिछले क्वार्टर रिजल्ट देख के भी काफी एनालिस्ट और बुलिश हो गए थे। तो उस हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि अगले 2 साल इनका प्रॉफिट्स पे प्रेशर रहेगा, और ट्रांजिशन जो हो रहा है मर्ज एंटिटी में, CRR, SLR रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर, तो काफी इनको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, तो इतना आसान नहीं रहेगा। तो अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन आ जाए, तो मुझे लगता है कि अगर 13-1350 के आसपास आता है तब मैं बायर रहूंगा, या फिर एक ग्राइंड डाउन करके धीरे धीरे करेक्शन आएगा और अगले 1-1.5 साल ये अंडर परफॉर्म करेगा। तो इन दोनों में से कौन सी चीज होगी ये बताना मुश्किल है। तो या तो लो करेक्शन होता है तो काफी समय बाद मैं खरीदने की सोचूंगा, और अगर अच्छा खासा करेक्शन आ जाता है तो हम जल्दी भी खरीदने की सोच सकते हैं। ठीक है संदीप जी।